हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रशांत पटेल और स्वागत है आपका क्रेश कोर्स ऑन ऑपरेशन रिसर्च में। इसमें हम बात करेंगे आज इसके पहले लेक्चर की, जो है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। इसके अंदर हम बात करेंगे उसके ऑपरेशन रिसर्च के इंट्रोडक्शन की, ओरिजिन की, उसके अप्लीकेशन की और कुछ डेफिनेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लो, आपको इस इन नोट्स में ऑपरेशन रिसर्च लिखा हुआ बहुत कम जगह दिखेगा, आपको हर जगह ओआर लिखा हुआ दिखेगा। ओआर का फुल फॉर्म ही होता है ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है। ऑपरेशन रिसर्च क्या होता है? ऑपरेशन रिसर्च हमेशा वो मेथड होती है, वो टेक्निक होती है जिसके जरिए हम बेस्ट ऑप्टिमम सॉल्यूशन को फाइंड करने की कोशिश करते हैं किसी भी प्रॉब्लम का। अब सवाल ये है कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या होता है? तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन मीन्स बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। ऑप्टिमम सॉल्यूशन मतलब बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, मतलब कि इससे अच्छा कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अगली लाइन लिखी, ऑपरेशन रिसर्च अप्लाइड साइंस की नई ब्रांच है और इसमें आर्ट और साइंस दोनों लगता है। अब ये समझ लो, आर्ट मतलब कि जो प्रैक्टिस से आता है, साइंस मतलब कि जिसमें कुछ टेक्निक लगी है, कोई लॉजिक लगा है। लॉजिक मतलब साइंस, आर्ट मतलब कि प्रैक्टिस में। ओके, तो ये है ऑपरेशन रिसर्च इंट्रोडक्शन। अगली लाइन लिखिए, इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री ऑपरेशन रिसर्च हेल्प मैनेजमेंट टू डिटरमाइन देयर टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मोर साइंटिफिकली एंड इफेक्टिवली। मतलब कि ऑपरेशन रिसर्च की मदद से हम किसी भी बिजनेस में या इंडस्ट्री में हम जो भी हम डिसीजन लेते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो या कोई काम असाइन करने से रिलेटेड हो, वो सारे डिसीजन हम ले सकते हैं और लॉजिकल मैनर में और साइंटिफिकली मैनर में, जो कि एक अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें देखो ऑप्टिमम सॉल्यूशन कैसे आता है। पहले कुछ प्रॉब्लम होती है, उसको हम फॉर्मुलेशन करते हैं। फॉर्मुलेशन मतलब कि एक सही क्रम में लिखकर उसको एक मैथमेटिकल टर्म्स में लेकर आते हैं, ठीक है, और उसका एक मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं और फिर उस मैथमेटिकल मॉडल पे ऑपरेशन रिसर्च के टेक्निक को यूज़ करते हैं जिससे कि हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिलता है। आगे बढ़ते, ओरिजिन कहाँ से हुआ ऑपरेशन रिसर्च का? तो इसका ओरिजिन हुआ वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ब्रिटेन में। क्यों हुआ? ताकि बेस्ट पॉसिबल मिलिट्री टैक्टिक्स का यूज करके लड़ाई में करा जा सके, उसके लिए आर्मी ने इसका यूज करा। वर्ल्ड वॉर टू में यह बहुत ज्यादा सक्सेस हुआ और उससे उसकी सक्सेस को देखते हुए इंडस्ट्रियलिस्ट लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते गए और उन्होंने इस मॉडल को अपने बिजनेस में अडॉप्ट करने की सोची। और जब वो ये सब कर रहे थे तो सबसे पहली बार कोई ऑपरेशन रिसर्च की टेक्निक यूज की गई, जो थी सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड हम पढ़ेंगे, सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व करने की मेथड देखेंगे, उसके ऊपर प्रैक्टिकल भी आके देखेंगे हम। ओके, इंडिया में बात करें अगर, तो एक प्रोफेसर वो हुए हैं पीसी महालनोबिस। इनके इन्होंने एक 5 ईयर मॉडल भी दिया है, पंचवर्षीय योजना का मॉडल भी इन्होंने एक दिया है, ठीक है, वो पढ़िएगा आप। एक प्रोफेसर हुए हैं पीसी महालनोबिस, उन्होंने 1953 में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में एक ऑपरेशन रिसर्च की यूनिट को एस्टैब्लिश करा था, ठीक है। और ये ओआर के मेथड को नेशनल प्लानिंग और सर्वे में भी यूज करा गया है। ये किसके द्वारा हुआ है? ये हुआ है पीसी महालनोबिस के द्वारा, ठीक है। अप्लीकेशंस देख लेते हैं ऑपरेशन रिसर्च के। तो ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम में यूज होता है कि कब कौन से जगह से कहाँ पर पहुँचाना माल सही रहेगा जिससे कि मिनिमम कॉस्ट में काम हो सके। असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में यूज़ होता है। असाइनमेंट प्रॉब्लम में हम देखते हैं कि कौन सा काम किस वर्कर को देना है जिससे कि जल्दी कम कॉस्ट में काम हो पाए। बिजनेस के दूसरे एप्लीकेशंस में होता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में होता है, कोई सिटी की प्लानिंग करनी है शहर की, उसमें ऑपरेशन रिसर्च का यूज़ होगा। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ऑपरेशन रिसर्च का यूज़ होता है। कैसे होता है इनके ऊपर हम प्रैक्टिकल करेंगे सभी चीज़ों पे, जिससे आपको क्लियर होगा। सॉरी, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर में हम वो थोड़ी सी बात करेंगे आगे,
तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।